विद्यार्थियों नमस्कार एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है हम आज टेट के प्रीवियस पेपर के रीजनिंग और मैथ को सोल्व कर रहे थे तो आज हम पी का जो 2020 में एग्जाम हुआ था स्टेट टेट का उसके रीजनिंग और मैथ सोल्व करेंगे क्योंकि एच टेट में टीजीटी पी जी टी और पी आर टी में दस दस नंबर के रीजनिंग और मैथ सभी में कॉमन आते हैं तो इसलिए यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण तो है जो स्टेट को देने जा रहे हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन से स्टार्ट होता है भाई रीजनिंग और मैथ मिक्स क्वेश्चन है तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है नौ पूर्णांक सठ सही एक सौ सतसठ सही एक बटा एक सौ इक्कीस का वर्गमूल है इसका वर्गमूल निकालना है भाई तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे एक सौ इक्कीस को नौ से गुणा करेंगे प्लस सिक्सटी से उन्नीस जोड़ देंगे फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी एक सौ इक्कीस गुणा में नौ प्लस सतसठ बटा एक सौ इक्कीस और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो नौ से गुणा करेंगे तो नौ एक नौ अठारह एक नौ नौ एक दस और प्लस सतसठ बटा एक सौ इक्कीस तो ये जोड़ेंगे तो नौ सात सोलह एक आठ से चौदह और एक पंद्रह एक एक और एक सौ इक्कीस है हैं इसका वर्गमूल निकालेंगे चौंतीस तो सौ छप्पन का वर्गमूल। हम संख्या को देख के कैसे निकाल सकते हैं देखो इसमें इकाई का अंक क्या है छः तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो चार होगा या छः होगा ठीक है उसके बाद दो अंकों को छोड़ देंगे संख्या क्या बची ग्यारह तो ये देखेंगे किस किस के वर्ग के बीच में आता है तो तीन का स्क्वेयर नौ चार का स्क्वेयर सोलह यानी तीन से बड़ा है चार से छोटा है ग्यारह तो छोटे वाली संख्या लेंगे छोटी क्या है तीन चौंतीस और छत्तीस तो या तो ये संख्या चौंतीस का वर्ग है या छत्तीस का वर्ग है तो एक्यूरेट कैसे पता करेंगे इनके बीच की संख्या देख लेते हैं बीच की क्या है पैंतीस और पैंतीस का स्क्यर निकालना बिल्कुल आसान होता है भाई देखो इन दोनों की गुणा कर दो पच्चीस और तीन को एक ज़्यादा पे ले जाओ तीन गुणा तीन यानी तीन को चार बार गुणा कर दो तीन चौके बारह यानी पैंतीस का स्क्वेयर ये होता है तो इससे ये छोटा है तो छोटे वाली संख्या का होगा क्या होगा चौंतीस और नीचे 121 का वर्गमूल 11 तो आंसर क्या होगा भाई चौंतीस बटा ग्यारह देखो भाई लास्ट में है ना फाइव हो उसका स्क्वेयर करना बहुत आसान होता है जैसे सेवेंटी फाइव का करना है तो पाँच का पाँच गुना पाँच पच्चीस और सात को सात बार गुणा करना है तो इसको एक ज्यादा कर देंगे यानी आठ बार सात तो हो छप्पन ये होगा इसका वर्ग ठीक है तो इस तरह हमने इसका निकाल लिया ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू भाई क्या लिखा है चौवालीस इंटू एक्स की पावर चार माइनस पाँच एक्स की पावर तीन माइनस चौबीस एक्स की पावर दो में ग्यारह एक्स इंटू एक्स माइनस आठ का भाग दीजिए भाई इस संख्या को इससे भाग देना है तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे क्या है 44 इंटू एक्स की पावर चार माइनस पाँच एक्स की पावर तीन माइनस चौबीस एक्स की पावर दो और किससे भाग देना है ग्यारह एक्स इंटू एक्स माइनस आठ तो देखो ग्यारह से काट देंगे भाई ये गुणा मेरे इसके साथ ये भी गुणा में है तो इसको कैंसिल कर देंगे चार बार में ठीक है तो अब देखो ये गुणा चार है ना इस चार को हम एक बार छोड़ देंगे इसको गुणा मत करो खाली इतनी संख्या ले लो जो भी भाग फल आए लास्ट में चार से गुणा कर देना ठीक है तो क्या लिखेंगे संख्या x की पावर चार माइनस पांच एक्स की पावर तीन माइनस चौबीस एक्स की पावर दो और भाग किससे देंगे x इंटू एक्स माइनस आठ तो इसकी गुणा करेंगे एक्स एक्स के आठ से करेंगे माइनस आठ एक्स इससे भाग दे दो भाई और जो भी भाग फला है ना उसको चार से गुणा कर देना लास्ट में ठीक है तो ये स्टार्टिंग में जाएगा एक्स की पावर दो हमारे पास है और एक्स की पावर दो से इसको गुणा कर दें यानी एक्स की पावर दो पे ले जाओ भाई एक्स की पावर दो गुणा एक्स की पावर दो एक्स की पावर चार माइनस आठ एक्स इंटू एक्स की पावर दो तो क्या हो जाएगा आठ एक्स की पावर x की पावर तीन अब घटाने पर घटाएंगे तो इसका निशान पलट जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आठ में से पाँच कट जाएंगे भाई प्लस का हो जाएगा तीन एक्स की क्यूब ठीक है उसके बाद उतारेंगे माइनस चौबीस एक्स सुकेयर अब देखो इसको किस गुणा करें कि ये बन जाए तीन एक्स से कर देना प्लस तीन एक्स तीन एक्स की और एक्स स्क्र की गुणा करेंगे तो तीन एक्स की क्यूब बन जाएगा भाई थ्री एक्स की क्यूब फिर निशान माइनस का तो माइनस रहेगा फिर आठ से गुणा करेंगे तो आठ गुना तीन चौबीस और एक्स गुना एक्स एक्स स्क्र चौबीस एक्स स्क्र घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस का है यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा कुछ नहीं बचा नीचे तो बागफल क्या आया एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स लेकिन इस संख्या के गुणा में चार था जो हमने इससे गुणा नहीं किया तो बागफल को चार से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया चार इंटू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स ठीक है तब तो इसको क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से एक्स यहाँ एक्स है या भी एक्स है तो कॉमन ले लो एक्स बाहर चार एक्स इनटू या एक्स बचेगा और प्लस तीन यानी चार एक्स इंटू एक्स प्लस तीन कौन से ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री यदि ग्यारह मीटर कपड़ा रुपये सौ में खरीदा गया तथा दस मीटर रुपये एक सौ दस की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत है तो देखो भाई ग्यारह मीटर कपड़ा खरीदा गया है तो ग्यारह मीटर का सीपी यानी मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा सौ रुपये ठीक है और दस मीटर दस मीटर बेचा गया सेलिंग प्राइस कितना है एक सौ दस रुपये तो सबसे पहले ना हम वस्तु को बराबर करेंगे भाई ठीक है बस जितनी खरीदी है उतनी तो बेचेंगे तो देखो क्या करेंगे इसको दस से गुणा कर दो इससे ग्यारह से गुणा कर दो तो ऊपर पूरे को करना पड़ेगा दस से गुणा यानी गुणा दस तो इसको भी दस से गुणा इसको ग्यारह से गुणा कर दो अब वस्तुएं बराबर हो जाएंगी देखो ग्यारह गुना दस एक सौ दस मीटर और दस गुणा ग्यारह एक सौ दस मीटर ये हो गया क्रय मूल्य हज़ार रुपये और विक्रय मूल्य ग्यारह गुणा ग्यारह एक 121, सौ इक्कीस बारह सौ दस रुपये सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई हज़ार रुपये में ख़रीदा गया और बारह सौ दस रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दो सौ दस रुपये लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे हमेशा किस पे हो लाभ मूल्य पे कितना है हजार और गुणा सो ठीक है भाई दो जीरो से दो जीरो कैंसिल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल इन कितना आ गया इक्कीस प्रतिशत ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर निमंत्र श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए क्या लिखा भाई एक चार दस बाईस छियालीस तो इसमें अंतर देखो कितना भाई इसमें तीन इसमें छः इसमें बारह इसमें चौबीस देखो क्या हो रहा भाई इसको गुणा दो से किया तीन गुना दो छः फिर छः को दो से गुणा बारह फिर बारह को दो से गुणा चौबीस अब चौबीस को दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अड़तालीस अड़तालीस अंतर आएगा भाई ठीक है तो क्या करेंगे इसमें अड़तालीस जोड़ देंगे यानी छियालीस और अड़तालीस आठ और छः चौदह एक चार चार आठ और एक नौ कितना हो जाएगा चौरानवे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव रुपये बारह हज़ार पर दस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक से एक बटा वर्ष में एक बटा दो वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो देखो भाई मूलधन कितना है बारह हज़ार रुपये और दर क्या है दस प्रतिशत वार्षिक देखो समय है डेढ़ वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना है अर्धवार्षिक जब अर्धवार्षिक हो तो उसमें दर आधी हो जाती है भाई और समय दुगना तो उसमें क्या हो जाता है करने में आसानी हो जाती है तो देखो दर को दो से भाग देंगे तो पाँच प्रतिशत और पांच प्रतिशत का मतलब पांच प्रतिशत यानी पांच बटा सो एक बटा बीस यानी बीस पे एक बढ़ जाती है कितनी हो जाती है वही इक्कीस बटा बीस ठीक है इक्कीस बटा बीस गुणा इक्कीस बटा बीस और गुणा इक्कीस बटा बीस एक वर्ष दो वर्ष और तीन वर्ष समय हमने दुगुणा तो कर लिया डेढ़ वर्ष था ना तीन कर दिया और दर को हमने आधा कर दिया ठीक है भाई अब इसको सोल्व कर देंगे तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल दो से छः, दो से तीन अब एक गुणा कर देंगे इक्कीस के क्यूब कितना होता है भाई बानवे सौ इकसठ इक्कीस को तीन बार गुणा करेंगे तो बानवे सौ इकसठ गुणा तीन और बटा दो तीन छः गुणा कर लो अब तीन तीन छः अठारह एक छः और एक सात तीन निम सत्ताईस और दो से बात कर दो दो से करें तो एक तीन आठ नौ एक पॉइंट पाँच जीरो यानी तेरह हजार आठ सौ इक्यानवे पॉइंट पाँच रुपये ठीक है भाई तेरानवे हजार तेरह हज़ार आठ सौ इक्यानवे रुपये पचास पैसे ऑप्शन ए ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स एक भवन में चौबीस बेलनाकार खम्भे हैं प्रत्येक खम्बे की त्रिज्या अट्ठाईस सेंटीमीटर है भाई सेंटीमीटर अर्था ऊंचाई चार मीटर एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है रुपये पच्चीस प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्राकार पृष्ठों पर रंग कराने की कुल लागत ज्ञात कीजिए एक भवन में चौबीस खम्भे हैं ऐसे हैं बेलनाकार ठीक है प्रत्येक खंभे की त्रिज्या है अट्ठाइस सेंटीमीटर और ऊंचाई है चार मीटर 25 रुपये तो प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों पर वक्राकार पृष्ठ यानी कौन से पृष्ठ देखो नीचे से टिका हुआ है और ऊपर से ये ऐसे तो बार बार के पृष्ठों पर इनपे कलर करवाना है तो उसके लागत में ज्ञात करनी है तो बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है टू पाई आर एच टू पाई का मान 22 बटा सात r, आर कितना है त्रिज्या अट्ठाईस सेंटीमीटर तो ये देखो एक सेंटीमीटर में एक मीटर में तो मीटर में बढ़ा लेते हैं क्योंकि बाद में हमें मीटर के हिसाब से ज्ञात करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटा सो टू पाई आर एच एच कितना है चार मीटर ये हो गया भाई वक्र क्षेत्रफल ठीक है फिर इसके पच्चीस प्रति वर्ग मीटर की तरफ से खर्चा है तो अभी गुणा कर लो 25 से हमने गुणा कर दिया ये खर्चा आ गया एक पोल का एक खम्भे का लेकिन खम्बे ऐसे कितने हैं चौबीस तो चौबीस से और गुणा कर दो सीधा ही आंसर निकल आएगा ठीक है तब सोल करेंगे सात से करेंगे तो चार ये देखो पच्चीस गुना चार सौ और सौ से हमने सौ को कैंसिल कर दिया अब इनकी गुणा कर दो भाई बाईस गुना दो चौवालीस चौवालीस गुना चार चार चौके सोलह एक एक सौ छिहत्तर और एक सौ छिहत्तर को चौबीस गुणा कर दो चौबीस छके एक सौ चौवालीस चौदह चौबीस सात एक सौ अड़सठ और चौदह एक सौ बयासी अठारह चौबीस और अठारह बयालीस एन चार हज़ार दो सौ चौबीस रुपये चार हजार दो सौ चौबीस ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन मनीष रोहन विकास और नवीन के मध्य वे चार लड़के हैं मनीष रोहन विकास और नवीन मनीष रोहन विकास और नवीन के मध्य कंपेयर कर रखा विचारों के बीच में मनीष रोहन से बड़ा है कौन बड़ा भाई मनीष रोहन से बड़ा है तो यहाँ लिखो रोहन इससे बड़ा हो गया आगे देखो और विकास नवीन और रोहन से छोटा है विकास है ना और नवीन से छोटा है और रोहन से छोटा है यानी यहां पे कौन है विकास और किस किस से छोटा ये रोहन और रोहन और नवीन से ये भी इन दोनों का पता में भाई कौन सा छोटा बड़ा है लेकिन ये छोटा है इन दोनों से ठीक है फिर आगे लिखा है मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है मनीष है ना नवीन से उम्र में बड़ा है यानी मनीष से तो छोटा है कन्फर्म नवीन लेकिन तो उनसे नहीं पता चलो ठीक है फिर पूछा है तो इनमें कौन सबसे छोटा है तो सबसे छोटा निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सबसे छोटा कौन है विकास ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करना भाई भाई सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा पुस्तक लकड़ी जंगल कागज और लुगदी। तो सबसे पहले जंगल में जाएंगे यानी तीन नंबर उसके बाद जंगल से गहलाएंगे लकड़ी यानी दो नंबर फिर लकड़ी से क्या बनेगा लुगदी, पाँच नंबर फिर लुगदी से क्या बनेगा का भाई कागज चार नंबर फिर कागज के बाद पुस्तक मिलेगी ठीक है भाई यानी एक नंबर यानी तीन दो पाँच चार एक बत्तीस पाँच सौ इकतालीस बत्तीस पाँच सौ इकतालीस ऑप्शन डी ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन भाई एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए यानी इंगित मतलब इशारा करते हुए एक महिला बोली यानी ये वो महिला है और ये वो पुरुष है इसकी तरफ इशारा करते हुए ये महिला बोल रही है क्या बोल रही हुई? एक महिला बोली इसकी माता किसकी माता इस पुरुष की माता इसकी माता यानी महिला है तो हम माइनस में लिखते हैं ठीक है इससे एक पीढ़ी ऊपर इसकी माता मेरी माता की यानी मेरी माता की इसकी माता की माता की एक मातर पुत्री है कौन है पुत्री इसकी भाई ये है ठीक है दोबारा देख लो बोली इसकी माता मेरी माता की मेरी माता की एक मातर पुत्री है भाई एक मातर पुत्री है तो खुद ही हो गई भाई एक ही तो है तो इस महिला ये खुद ही महिला है ये ठीक है तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है महिला पुरुष की क्या लगती है तो क्या लगेगी भाई माता ठीक है इसकी माँ है क्वेश्चन नंबर एक, एक चौथाई सात से तीन अधिक है भाई एक ऐसी संख्या हमने मान ली एक्स और एक्स का एक चौथाई यानी एक बटा चार बराबर किसके है वो सात से तीन अधिक यानी सात प्लस तीन कर दें हो गया ना बराबर भाई एक ऐसी संख्या जिसका एक चौथाई तो सात से तीन अधिक है तो सात प्लस हमने तीन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स बटा चार बराबर दस और एक्स कमा निकालेंगे तो चार ही साइड जाएगा दें गुणा में दस गुणा चार यानी चालीस ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन यदि दो सौ चौसठ सठार दो बराबर छः आठ सौ सत्तर स्टार तीन बराबर ग्यारह सात सौ पैंतीस स्टार पाँच बरा, बराबर क्या होगा ये क्वेश्चन है हुई ठीक है तो इसका मन कैसे निकालेंगे तो इसमें क्या किया भाई देखो दो सौ चौंसठ को दो से डिवाइड कर दिया कितना आया एक सौ बत्तीस और एक सौ बत्तीस को आपस में अंकों को जोड़ दिया एक और तीन चार और दो छः आ गया ना छः फिर ऐसे ही आठ को तीन से भाग किया 290 जोड़ेंगे तो नौ और दो ग्यारह ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे 735 को पाँच से भाग कर देंगे पाँच से भाग करेंगे तो आएगा एक पाँच सौ के बीस तीन पाँच 35 पैंतीस यानी एक सौ तो इसको जोड़ देंगे एक और चार पाँच और सात बारह ठीक है भाई ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू पांच मीटर चौड़ी दो समकोणिक सड़कें सत्तर मीटर लंबे तथा तो पैंतालीस मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं ठीक है, है भाई एक आयताकार उद्यान है ठीक है क्या बोला है दो समकोणिक सड़कें केंद्र से गुजरती हैं भाई जैसे एक सड़क ये है और दूसरी इस साइड से है समकोणिक है ठीक है इस तरह सड़कें हुई एक इधर से यू एक इधर से यू और सत्तर मीटर तो इसकी लंबाई है सत्तर मीटर और चौड़ाई कितनी है पैंतालीस मीटर और सड़क की चौड़ाई कितनी है भाई इसकी चौड़ाई ये पाँच मीटर तो देखो पहले तो सड़क का क्षेत्रफल निकालो फिर क्या पूछा है सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़वाने का खर्चा उसके लिए पहले सड़क का क्षेत्रफल भाई ठीक है तो कितना हो जाएगा लंबाई कितनी इसकी सत्तर सड़क सीधी जा रही नहीं है सत्तर मीटर लंबी दीवारों के समान अंतर सत्तर चौड़ाई पाँच मीटर तो लंबाई गुणा चौड़ाई एक सड़क तो ये हो गई प्लस सत्तर गुना पाँच प्लस दूसरी सड़क का ये कितनी है पैंतालीस मीटर और चौड़ी पाँच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गई फिर देखो भाई ये दोनों में काउंट हो गया ये पाँच मीटर इधर से भी काउंट हुआ है और इधर से भी काउंट इसी के लिए क्वेश्चन बनाइए ठीक है तो इसमें से ये घटा देंगे जो ओवरलैपिंग यानी जो डबल हुआ है डबल काउंट हुआ नहीं ये दोनों बार तो पाँच गुणा पाँच ये घटा देंगे तो इसके करेंगे 350 प्लस 25 दो दो सौ माइनस 25 तो ये घटा देंगे तो यानी पाँच सौ माइनस पच्चीस कितना हो जाएगा भाई पाँच सौ पचास वर्ग मीटर ये तो क्या हो गया सड़क का क्षेत्रफल फिर एक वर्ग मीटर पे खर्चा कितना है सौ रुपये और 550 पे करेंगे तो गुणा 100 कर देंगे यानी 550 मीटर गुना सौ यानी पचपन हजार रुपये ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 73 एक मानचित्र में पैमाना एक अनुपात तीन करोड़ दिया है मानचित्र में दो शहर चार सेंटीमीटर दूरी पर है उनके मध्य वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए यानी भाई एक सेंटीमीटर इस दूरी को दर्शाता है ठीक है तो उनके बीच वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है भाई एक सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर इतने को दर्शाता है सेंटीमीटर को वो वास्तविक में तो देखो एक का मान कितना है तीन करोड़ तीन ठीक है चार का निकालना हमें ठीक तो इसको चार से गुणा कर देंगे जीरो जीरो यानी सात जीरो आ जाएंगी तीन सात जीरो हैं तो इसमें भी सात जीरो और फिर चार गुना तीन बारह अब क्या है ये सेंटीमीटर है लेकिन उत्तर क्या है किलोमीटर में दे रखा है तो देखो इसको किलोमीटर कैसे बनाएंगे इसको किलोमीटर बनाने के लिए देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई सौ सेंटीमीटर ठीक है और एक किलोमीटर में हजार मीटर हजार मीटर तो एक किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे हजार गुना सौ यानी एक लाख सेंटीमीटर भाई तो एक लाख से इसको भाग दे दो एक लाख से हम इसको भाग दे देंगे क्योंकि एक किलोमीटर में एक लाख सेंटीमीटर होते हैं तो तीन तो पाँच जीरो से पाँच जीरो कैंसिल कर दो कितना गया बारह सौ किलोमीटर लेकिन दस की पावर में लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे बारह सौ को बारह गुना 100, सौ को क्या लिख देंगे बारह गुना दस की पावर दो किलोमीटर ठीक है भाई ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में चार जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष छह खेल जीते वृद्धि क्या थी गत का मतलब पिछले वर्ष भाई तो पिछले वर्ष कितने जीते थे चार और इस वर्ष छः तो कितने ज़्यादा जीते दो ज़्यादा ठीक है प्रतिशत निकालना है भाई गत वर्ष के मुकाबले यानी चार पे निकालना है दो ज़्यादा जीते और चार पे प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्योंकि तो गत वर्ष के मुकाबले निकालना है ना तो गत वर्ष चार जीते थे कितना हो जाएगा पचास प्रतिशत ठीक है भाई ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव यदि एक निश्चित कुट भाषा में माइंड को माइंड को क्या लिखा जाता है देखो माइंड को के जी के जी एल बी लिखा जाता है और आर यू ए आर जी यू ई आर यू को लिखा जाता है वही वाई पी ई एस सी तो इसी समानकूट भाषा में डाया ग्राम डाया ग्राम को क्या लिखा जाएगा तो देखो भाई इसमें सबसे पहले इसके कोड लिख लो यानी तेरह नौ चौदह चार तो ये क्या है ग्यारह सात बारह दो भाई तेरह से ग्यारह यानी माइनस दो नौ से सात माइनस दो चौदह से बारह माइनस दो चार से दो माइनस दो इसी इस तरह इसी में यानी एक और ये पच्चीस भाई पच्चीस इसमें से पीछे जाएंगे दो तो क्या जाएगा पच्चीस ठीक है आर अट्ठारह तो ये सोलह ये सात पांच इक्कीस उन्नीस पाँच तीन यानी इसमें भी माइनस दो दो हो रहा है तो इसमें भी सभी माइनस दो कर देंगे तो ये कितने नंबर पर आता चार तो दो पे क्या आता भाई बी ये नौ पे तो सात पे आता है जी ये एक पे या सत्ताईस पे मान लो भाई पीछे जा रहे हैं तो इसमें से इस दो घटाएंगे तो पच्चीस यानी वाई सात में से दो जाएंगे तो पाँच पे ई अठारह में से दो जाएंगे सोलह पे पी फिर सत्ताईस मान लो या एक मान लो इसमें से इस दो घटाएंगे तो पच्चीस पे वाई तेरह में से दो जाएगा तो ग्यारह के यानी बी जे वाई बी जी वाई बी जी वाई ई पी वाई ई पी वाई ये गलत हो गया भाई लास्ट में के तो ऑप्शन बी इज राइट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर तीन और एक के एकदम मध्य में स्थित है भाई. तो सबसे पहले तीन ढूंढो इसमें कहा है ये हमारा तीन है फिर एक ढूंढो ये आई है भाई ये हमारा एक है इसके एकदम मध्य में पूछ रखा भाई तो देखो इस काउंट कर लो दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक है एकदम मध्य में पूछा ग्यारह है तो दोनों तरफ पाँच पाँच बांट दो भाई एक दो तीन चार पाँच इसको छोड़ दो एक दो तीन चार पाँच सी बीच में हो गया भाई एकदम मध्य में कौन है सी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन को ज्ञात कीजिए भाई ऑप्शन है जनवरी मई जुलाई नवंबर अलग से छाटना है तो देखो भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं इकतीस मई में इकतीस जुलाई में इकतीस और नवंबर में तीस तो अलग से कौन सा हो गया भाई ऑप्शन डी यानी नवंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट आप दक्षिण की ओर जाए देखो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए भाई हमेशा ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाएँ तरफ पूर्व और ये पश्चिम हो जाएगा क्या बोलता है आप दक्षिण की ओर जाएं मान लो आप यहाँ खड़े हैं तो दक्षिण कहाँ है नीचे की तरफ दक्षिण की ओर जाएं फिर दाएं मुड़े दाएं किस साइड होगा भाई मैं नीचे की तरफ चल रहा हूं तो मेरा दाया इस साइड फिर दाएं मुड़े चलो इस साइड मुड़ गए ठीक है फिर दोबारा दाएं मुड़े तो मैं इस दिशा में जा रहा हूं अब दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ यानी इस साइड मुड़ गया अभी मैं दोबारा दाएं मुड़े और और फिर बाई और जाए अब किधर जाऊं मैं बाई और मैं इस साइड जा रहा था अब बाई और जाऊंगा ठीक है इस साइड इस साइड चलाऊंगा ठीक है बाई और जाए अब आप किस दिशा में हैं देखो भाई कौन सी दिशा में है आप आपका मुंह कौन सी दिशा में है इस साइड कौन सी दिशा देखो पश्चिम ठीक है भाई इसको तो कहीं भी ले जा सकते नहीं मीटर तो कुछ बताया नहीं भाई इतने मीटर इतने मीटर इसको तो हम कैसे भी बना लेते हैं ठीक है भाई यहाँ ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से ठीक है तो मुंह किस दिशा में इसका पश्चिम ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सरल कीजिए भाई सरली कलर का क्वेश्चन है देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे ठीक है तो इसको सेम लिख करेंगे इसको हल करके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे इतने को तो सबसे पहले क्या हल होगा भाग तो भाग क्या हो जाएगा छः प्लस भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा और संख्या पलट जाएगी ठीक है भाई ये ब्रैकेट है तो ये छः से कैंसिल कर देंगे छः से कैंसिल कर देंगे यानी एक बटा दो एक बटा दो यानी छः ध्यान इस बात का रखना भाई छः को दो से कैंसिल मत कर देना क्योंकि बीच में क्या निशान है प्लस का है ठीक है तो छः प्लस एक बटा दो तो ये क्या हो जाएगा छः दुणी बारह और एक तेरह बटे दो इसको हमने हल कर लिया क्या मिला तेरह बटे दो अब मध्यम ब्रैकेट को हल करेंगे यहाँ तक ठीक है तो यहाँ क्या है 6 प्लस भाग में बाद में ब्रैकेट बंद है तो इसके बाद निशान क्या है भाग का ठीक है अब ब्रैकेट खुलेगी तो 6 प्लस छः भाग में तेरह बटे दो अब क्या होगा निशान भी पलट जाएगा और संख्या भी पलट जाएगा दो बटा तेरह ठीक है भाई तो अब क्या हो जाएगा कैंसिल तो हो नहीं रहा तो छः गुणा दो बारह बटे तेरह यानी छः प्लस बारह बटे तेरह और यहाँ मध्यम ब्रैकेट है ठीक है अब इसको नीचे इसके हर में कुछ नहीं है ना तो सीधी गुणा कर दो तेरह गुना छः अठहत्तर अठहत्तर और बारह नब्बे नब्बे बटा तेरह लिख सकते हैं इसको हम भाई नब्बे बटा तेरह और मध्यम ब्रेकट में ये बंद है इसके बाद अब बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे यानी यहाँ तक लेंगे अब तो ये क्या छः प्लस छः यानी हो जाएगा 6 प्लस भाग में नब्बे बटा तेरह अब ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान भाग का है तो निशान भी पलट जाएगा गुणा में और संख्या भी पलट जाएगी तेरह बटे नब्बे अब कैंसिल करेंगे तो पंद्रह से छः से एक छ से ये पंद्रह अब देखो क्या गया छः प्लस तेरह बटे पंद्रह अब ब्रैकेट में ही इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा पंद्रह छके नब्बे नब्बे और तेरह एक सौ एक सौ तीन बटे पंद्रह इसको हम ये लिख सकते हैं भाई एक सौ तीन बटा पंद्रह फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर क्या है छः यानी छः भाग में एक सौ तीन बटा पंद्रह फिर संख्या पलट जाएगी तो छः गुणा पंद्रह बटे एक सौ तीन तो पंद्रह गुणा छ नब्बे बटा एक सौ तीन ठीक है भाई नब्बे बटा एक सौ तीन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एट्टी निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए ठीक है भाई देखो क्या लिखा डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ यहाँ पे पूछा भी क्या आएगा तो देखो ये क्या है चार नंबर पे इसमें क्या किया प्लस चार आठ हो गए फिर अगली बार क्या किया तेरह पे यानी प्लस पाँच कर दिया भाई ये आठ पे ये तेरह पे चार पाँच तो अब की बार क्या होगा छः प्लस छः प्लस छः करेंगे तो तेरह और छः उन्नीस उन्नीस पे क्या आता भाई एस फिर सेकंड पे देखो क्या है ये पांच नंबर पे और ये नौ पे यानी प्लस चार फिर नौ से चौदह यानी प्लस पांच फिर प्लस छः करेंगे अब की बार यानी चौदह और छः बीस बीस पे था भाई टी फिर देखो एफ छः पे और ये जे दस पे यानी प्लस चार फिर जे से ओ पे यानी दस ये पंद्रह पे यानी प्लस पाँच तो अब की बार फिर प्लस छः करेंगे पंद्रह और 6 इक्कीस इक्कीस पे क्या आता है यू एस टी यू ये भाई इसका ऑप्शन बी ये भी इस क्वेश्चन थे पी आर टी दो हज़ार बीस के एग्जाम में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अपनी तैयारी करते रहो